ऊनी माहू, जो कीट गन्नों की पत्तियों पर आश्रय लेता है। ये कीट पत्तियों पर स्टोमेटा के जरिए छेद करके जगह बनाते हैं, जिससे गन्ने की पत्तियों पर पहले सफेद चकते दिखते हैं जो बाद में पीले हो जाते हैं। पत्तियां किनारों से सूख जाती हैं। चिपचिपा सा पदार्थ बाद में फफूंद जैसा दिखता है, जो नीचे मिट्टी पर उन्हीं पदार्थ की तरह साफ दिखाई देता है। शरतकालीन फसल में यह ज्यादा दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए बुवाई के लिए पंक्ति की जोड़ी प्रणाली का पालन करें, जिससे खेत में आर्द्रता कम रहेगी और छिड़काव करने में आसानी होगी। बीज उपचार, चयनित पोरियों को बुवाई से पहले क्लोरोपाइरिफॉस 20% ईसी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी के घोल में 15 से 30 मिनट के लिए डुबो के रखें। नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से बचें। जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करें। गन्ने की पूरी पंक्तियों को ढक दें। संक्रमित पौधों को खेत में इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए तथा इन्हें बीज के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण, बुवाई के पहले बीजों को क्लोरोपाइरिफॉस 20 ईसी के घोल का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से उपचारित करें, या एसीफेट 75% एसपी 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। जैविक नियंत्रण, प्राकृतिक दुश्मनों को संरक्षित करें।